एक बार फिर उत्तर प्रदेश का जिक्र एक घिनौनी वारदात की वजह से किया जा रहा है। यहां हाईवे के हैवानों ने एक बार फिर पूरे बंदोबस्त को झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ के पास टप्पल में रविवार की रात बदमाशों ने गुनाह की एक ऐसी इबारत लिख डाली जिसे पढ़ने के बाद खुद पुलिस की पेशानी पर पसीने छलक उठे। यहां महज 4 घंटों के भीतर 4 से 5 बदमाशों ने 2 ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिसे सुनकर पूरा मुल्क सहम उठा। आखिर क्या हुआ टप्पल में, आइए आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ का टप्पल इलाका, दहशत भरी एक रात, अंधेरे में खौफ की परछाइयों का हमला, एक रात 2 वारदात। वारदात नंबर 1, इतवार की रात जब अपने शबाब के सफर पर थी, एन उसी वक्त हाईवे के आसपास हमले पर निकल चुके कुछ भेड़िए, और जो किया उसने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले निशाने पर आया हाईवे से दूर वीराने में बसा ये फार्म हाउस। बलात्कार भी किया, लड़की के साथ भी, मेरी लड़की भी रहती है 17-18 साल की, और घरवाली के साथ भी। बहुत गंभीर हालत है, उसको बीच में से घोटू से ऊपर और भाड़ी से नीचे पूरा जला दिया गया है। गोली मारने की भी कह रहे थे, बच्ची को, छोटी वाली लड़की है हमारी 5 साल की, 6 साल की, उसको भी ले जा रहे थे साथ। बंधक नहीं, बांध के पटक दिया था कमरों में सबको, महिलाओं को भी। मेरी चोट मारी है यहाँ शरीर में, हथौड़ा से, और हथियार भी, हथियार हथियार है। वारदात नंबर 2, वो आ गए थे बदमाश। हाँ, और उन्होंने मेरे पिस्टल आके लगा दी, भाई नीचे आ जा स्टीयरिंग से। हाँ, वो थे जी 8 से 10 के बीच में थे वो। तो आपने सवारी को बताया, सवारियों को, पैसेंजर्स को अंदर बताया था आपने कि ये कुछ बता पाए पैसेंजर को? जगह में इतना मौका ही नहीं दिया सर उन्होंने। वारदात नंबर 1, सूरज की छिटकी हुई रोशनी में पुलिस का ये लाव लश्कर उसी दहशत के निशान तलाशने आया है जो रात के अंधेरे में यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी को रौंद कर चला गया। गुनाहों की छाप को मुर्दा चीजों से झाड़ कर निकालती ये कोशिश बेशक सफल हो, लेकिन उस परिवार के दिल से न उस रात का दर्द खत्म होगा, न इन पर जो बीता है वो ये बता सकते हैं, न कोई जान कर महसूस कर सकता है। मौत को पूरे 4 घंटे तक बेहद पास से महसूस किया है इन्होंने। बदमाशों ने जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन जीने लायक नहीं। उन्होंने मारपीट करी जम के, और बलात्कार भी किया, लड़की के साथ भी, मेरी लड़की भी रहती है 17-18 साल की, और घरवाली के साथ भी। मथुरा की ओर जाते एक्सप्रेसवे के एक कोने पर बना ये फार्म हाउस, और उस रात यहाँ मौजूद थे इसकी देखरेख करने वाले। फार्म हाउस के अंदर लोग थे, एक आदमी था, 2 लेडीज थी, 2 बच्चे थे। पुलिस के मुताबिक ये फार्म हाउस एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का है जिसमें फिलहाल निर्माण चल रहा था। रात करीब 10:30 बजे बदमाशों ने बाकायदा एक प्लान के तहत हमला किया। गेट खोलते ही उन लोगों ने एक मेरे हाथ में डंडा मारा और कनपटी पर हथियार रख के और पीछे से पकड़ के मुझे इस बराबर वाले रूम में जिसमें संजू की पत्नी सो रही थी। रात के बढ़ते अंधेरे के साथ दरिंदगी का दौर भी बढ़ता गया। उन्हें पता सब था लेकिन जानते कुछ नहीं थे। वो कहते थे कि यहाँ 50 लाख रुपए रखे हैं डीआईजी साहब के, आपके पास, उन्हें बताओ तुम्हें नहीं मारेंगे। हमने ये बोल दिया हमारे पास 50 लाख इस जंगल में कौन छोड़ेगा भाई। शायद ब्लैक मनी को लेकर उड़ी अफवाह के साथ यहाँ दरिंदगी उड़ती आई थी, भला इन गरीबों के पास इतनी रकम थी। लेकिन गुनाहों के बेलगाम कदमों के सामने जो पड़ता है रौंदा वो भी जाता है। मेरी चोट मारी है यहाँ शरीर में, हथौड़ा से, और हथियार हथियार है। बदमाशों ने पहले मारा पीटा और फिर दरिंदगी की हर इंतहा पार कर दी। उस जनानी को विशेष मारा, प्लास से उसकी खाल को नोचा, जलाया, बहुत मारा पीटा और सारे सामान लूट ले गए। फार्म हाउस के आसपास कोई बस्ती नहीं थी, कम से कम इतने पास तो नहीं कि चीखों की आवाज कानों तक पहुंच पाती। इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने इंतहा कर डाली।
मासूमों की दिल दहलाती चीखें किसी मदद के पास पहुंचने से पहले दम तोड़ गईं। किस किस लेडीज के साथ जो अभद्रता की? लड़की के 17-18 साल की लड़की थी उसके साथ और घरवाली थी 30 साल की उसके साथ। दरिंदे जानते थे कि एक औरत दर्द बर्दाश्त कर सकती है लेकिन एक माँ नहीं, लिहाजा उन्होंने इसे धमकी भी दी। गोली मारने की भी कह रहे थे, बच्ची को छोटी वाली लड़की है हमारी 5 साल की 6 साल की उसको भी ले जा रहे थे साथ। लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो बदमाशों ने वहां का कोना कोना तलाशा। अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भीतर, तो उसके लिए उनके साथ काफी मारपीट की। उनके पास कुल 1,500 या 2,000 रुपए कुल थे। काफी देर तक उन्होंने वहां ढूंढा, सर्च किया, जो बिल्डिंग मटेरियल था उसको हटा के देखा, इनका सारा सामान, वो किसी 50 लाख की बात कर रहे थे कि यहाँ रखा गया है। न कुछ था न मिला, लिहाजा बदमाशों ने उन्हें रस्सियों से बांध कर कमरे में पटक दिया और वहाँ जो भी थोड़ा बहुत कैश और जेवर मिला उसे लेकर फरार हो गए। वारदात नंबर 2। इस फार्म हाउस से खाली हाथ निकलकर बदमाश कच्चे रास्ते से निकले। उनकी किस्मत अच्छी थी और शायद यहाँ खड़ी इस बस की सवारियों की किस्मत खराब। दरअसल इस बस का टायर पंचर हो गया था। बस चालक टायर बदल कर जाने ही वाला था कि तार काट कर बदमाश एक्सप्रेस वे पर आए और उन्होंने बस चालक को गिरफ्त में ले लिया। वो आ गए थे बदमाश। हाँ। और उन्होंने मेरे पिस्टल आके लगा दी, भाई नीचे आ जा स्टीयरिंग से। हाँ। बस चालक को उतारने के बाद बदमाशों ने यात्रियों पर हमला कर दिया और लूटपाट करने लगे। एम्बुलेंस में कराहते इन दो चेहरों ने हमले का विरोध किया। नतीजा, बदमाशों की पिस्तौल से निकले छर्रों ने इन्हें छलनी कर दिया। लोगों ने विरोध किया तो फिर वहां उन्होंने एक फायर कर दिया जिससे दो लोगों को मामूली फायर आर्म की चोट लगी है, एक को पैर में और दूसरे को हाथ में चोट लगी है। बस में सफर कर रहे इस एयरफोर्स कर्मी के सिर पर लगी ये चोट उन दरिंदों के हाथों लगी है। वारदात, बयान, सबूत और तफ्तीश की हर डिटेल अब स्याही थाम कर फाइलों में लकीरें बनाएंगी। लेकिन ये लकीरें क्या कभी वो लक्ष्मण रेखा खींच पाएंगी जिसे आज के रावण पार न कर पाए? शायद नहीं। फिर रात होगी, फिर सन्नाटा होगा, फिर ये परछाइयां अपने अगले शिकार के लिए निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात पहली बार हुई है। अभी पिछले साल ही बुलंदशहर में बिल्कुल ऐसी ही एक वारदात अंजाम तक पहुंची थी। हाईवे पर गाड़ी रुकवाकर हैवानियत का ऐसा खेल खेला गया था जिसे सुनने और देखने वालों की रूह कांप गई थी। हालांकि जब प्रशासन जागा तो उन दरिंदों की टोली के कुछ दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में जरूर आ गए थे। हाईवे पर खेला गया था हैवानियत का गंदा खेल। पिता के सामने किया था मासूम बच्ची का बलात्कार। बुलंदशहर में गैंगरेप। इस वारदात का खुलासा क्या हुआ था, पूरे देश में सिहरन सी दौड़ गई थी। एक बार फिर पूरा हिंदुस्तान एक ही बात को लेकर उलझता दिखाई दिया कि आखिर ऐसी घिनौनी वारदात कब तक यूं ही लोगों को सर से पांव तक झकझोरती रहेगी। बहस इस बात को लेकर भी छिड़ी थी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे का इतना बड़ा अमला आखिर किस काम का। वारदात का खुलासा हुआ कि नहीं, अदना से लेकर आला अधिकारी तक मौकाए वारदात पर डटा दिखा था। और वारदात ऐसी कि रूह कांप जाए। रात के अंधेरे में दरिंदों ने वहशीपन की हद पार कर दी थी और एक परिवार को बंधक बनाकर उसका सब कुछ लूट लिया। दरअसल पीड़ित परिवार नोएडा से शाहजहांपुर अपनी कार में मां की 13वीं करने जा रहा था। एसेंट कार में दोनों भाई, दोनों पत्नी और बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई की 11 साल की बेटी थी। बुलंदशहर के पास 10-12 हथियारबंद बदमाशों ने कार पर एक एक्सल फेंका। जब गाड़ी रुकी तो बदमाशों ने पहले तो लूटपाट की और बाद में गाड़ी में मौजूद माँ और उसकी 11 साल की बेटी को हाईवे से खींच कर
खेतों में ले गए और उनका गैंगरेप किया। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल से पुलिस चौकी कुछ ही दूरी पर थी। जैसे ही ये वारदात इस इलाके से निकलकर सुर्खियों का हिस्सा बनी, बस तभी से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पुलिस की कदमताल शुरू हो गई थी। हालांकि उस समय वारदात के महज 48 घंटे के भीतर ही पुलिस के सुर और तस्वीरों के रुख बदलने शुरू हो गए थे। लेकिन जब पुलिस पकड़े गए लोगों की हकीकत से रूबरू हुई थी तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन दरिंदों का एक ऐसा सच सामने आया था जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बांवरिया गैंग, पुलिस भी इसी नाम को सुनकर चौंकी थी और उसने अपनी तहकीकात का दायरा फैला दिया था, क्योंकि अब तक इस गैंग का जो रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद था उसमें उसके ऐसे किसी भी वारदात का निशान नहीं मिला था। इस केस में जो पहली 3 गिरफ्तारी हुई थी उसमें से 2 बांवरिया गैंग के गुर्गे थे।